और तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मानूर, मैंने तुम्हें बताया था, मैं मॉम और डैड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। तुम मायूस ना हो, मैं संभाल लूंगा। कैसे परेशान ना हो, तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए मान नहीं रहे। मेरे नजदीक उनके इनकार की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मेरे नजदीक उनके इनकार की बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे तो हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती शादी? शादी तुम्हें मेरे साथ करनी है, मेरे पेरेंट्स का इससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं सबको क्या जवाब दूंगी, अम्मी से क्या कहूंगी मैं? तुम अम्मी को कुछ नहीं बताओगी, मैं उनसे बात कर लूंगा। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, शादी के फौरन बाद हम लोग बाहर चले जाएंगे, एक दो साल अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा। मैं अपने पेरेंट्स को जानता हूँ, वो सब भूल चुके होंगे। इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। मानूर, वासे, हमारी शादी इस तरह से नहीं हो सकती। मैं कभी भी तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं करूंगी, ना तो मेरे घर वाले इस बात के लिए मानेंगे और ना ही मैं। इसमें गलत क्या है? गलत तुम्हारी सोच है। उस वक्त जब मैं फिक्रमंद हो रही थी तो तुम्हें ये गलत बात लग रही थी। मैं तो उस वक्त भी जानती थी, इसीलिए परेशान थी कि तुम्हारे घर वाले हमारे स्टेटस को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो मेरे लिए अब भी कोई बड़ी बात नहीं है। मानूर, यू नो आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस तरह से सबके अगेंस्ट जाकर मैं तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। मैं अपने घर वालों को सबके सामने शर्मिंदा नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता।